हेलो गाइस, प्रणाम अक्षर, वेलकम बैक टू व्हाट्स माय रिव्यू। सो करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के ऑपोजिट एक मराठी मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है आनी बानी। इस मूवी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आनी बानी नाम की इस मराठी मूवी का ट्रेलर रिव्यू किया था एंड उस वीडियो में मैंने जितने भी प्लस एंड माइनस पॉइंट शेयर किए थे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट सच हुए। ट्रेलर में जितने भी कॉमेडी सीन्स हमें दिखाए गए थे पूरी पिक्चर में उससे भी कम है। अफलातून जैसी लेजेंडरी कॉमेडी फिल्म के बाद और एक पिक्चर थिएटर में रिलीज हुई जिसका नाम है आनी बानी। अब ये फिल्म रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है जिसका कॉन्सेप्ट, जिसका ड्रामा तो अच्छा है बट मेकर्स यहाँ पे ह्यूमर का तड़का मारना भूल गए। तो ये कहानी अभिमन्यु नाम के व्यक्ति की, जो वैसे तो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश है, फैमिली लाइफ भी अच्छी खासी चल रही है, बस एक दिक्कत है और वो है कि उनका नहीं हो रहा है। इसलिए उनकी पहली वाइफ उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप दूसरी शादी कर लो ताकि आपके खानदान को वारिस मिल चुके। पहले तो अभिमन्यु दूसरी शादी करने से साफ इनकार कर देते हैं बट जैसे तैसे उनकी पहली वाइफ उन्हें कन्विंस कर लेती है एंड जैसे वो लड़की देखने जाते हैं वो लड़की के प्यार में पागल हो जाते। और उनकी पहली वाइफ उनसे ये भी कहते हैं कि उनकी दूसरी शादी से उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब वाह। अब जिस लड़की के साथ उनकी दूसरी शादी होने वाली है उसके भाई के साथ अभिमन्यु का 36 का आंकड़ा है। क्योंकि अभिमन्यु की शादी हो पाती है, लड़की के भाई के साथ इसका 36 का आंकड़ा क्यों है एंड गवर्नमेंट ने जो इमरजेंसी डिक्लेयर किया जहाँ लोगों को जबरदस्ती उठाकर उनकी नसबंदी की जा रही है एंड कि अभिमन्यु अपनी फैमिली को वारिस दिला पाते हैं, सो इस पे क्या होने वाला है फिल्म के एंड में, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको ये पिक्चर थिएटर में देखनी होगी। फिल्म के सेकंड हाफ के कंपैरिजन मुझे फर्स्ट हाफ फिर भी बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी एंड ड्रामा, क्योंकि फिल्म की शुरुआत अच्छी थी बट जैसे फिल्म आगे प्रोग्रेस होते जाती है एंटरटेनमेंट का डोज और भी कम होते जाता है। स्क्रीन प्ले और ह्यूमर के मामले में ये फिल्म मुंह के बल गिर जाती है। आता मराठीत म्हणलं तर संपूर्ण चित्रपटात मला उपेंद्र लिमये आणि वीणा जामकर यांची ऍक्टिंग आणि त्यांचे कॅरेक्टर आवडले पण बाकी जितके पण कलाकार होते त्यांची ऍक्टिंग आणि त्यांच्या कॅरेक्टर्स मध्ये जराही मज्जा नव्हती आणि त्याही सोबत या चित्रपटाचं संगीत सुद्धा तितकंच कमजोर आहे। आता हे सगळं ऐकून काही लोक म्हणतील की माझे फॉलोअर्स किती आणि मी बोलतो किती, तर माझे सबस्क्रायबर 2678 आणि माझा प्रत्येक सबस्क्रायबर प्रत्येक फॉलोअर माझ्यासाठी बरोबरीचा आहे। अगर आपको कोई आधी पकी हुई दाल खिलाए आप थोड़ी ना उसकी खाने की वाहवाही करोगे, इनफैक्ट आप तो बोलोगे कि ये क्या बवासीर बना दिया है। एग्जैक्टली मराठी कॉमेडी फिल्मों को लेके भी कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल। देखो मैं कोई मूवी एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना मैं क्रिस्टोफर नोलन से फिल्म मेकिंग सीख के आया हूँ, बट मैं भी आपकी तरह एक जनरल ऑडियंस हूँ जो पैसे देकर टिकट खरीद कर पिक्चर देखने जाता है एंड यही सोचता है कि इस टिकट का हर एक रुपया वसूल हो। जब हम अपनी मेहनत का पैसा आपकी सिनेमा पर स्पेंड करें तो हम डेफिनेटली यही सोचेंगे ना कि ये टिकट का पैसा वर्थ इट हो, बट ऐसा जब नहीं होता तो डिसअपॉइंटमेंट फील होती है एंड इस फिल्म को लेके भी मुझे वही डिसअपॉइंटमेंट आज फील हो रही है। तो आनी बानी नाम की मराठी फिल्म एक क्लीन फैमिली एंटरटेनर तो ये बढ़िया थिएटर में ना आके डायरेक्ट ओटीटी पर आनी चाहिए थी। मुझे इस फिल्म के डायरेक्शन या फिर प्रोडक्शन वैल्यू से कोई दिक्कत नहीं है बट मुझे शिकायत है इस फिल्म के राइटिंग से, क्योंकि इनके पास अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसी कॉन्सेप्ट को अगर सीरियस ड्रामा के सारे दिखाते देन बात ही अलग थी, बट यहाँ पे प्रॉमिस कुछ किया और निकला कुछ भलता ही। जस्ट इमेजिन इस फिल्म में शहद शिंदे, प्रवीण तरडे, संजय खापरे जैसे एक्टर्स है बट एक को भी ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाई फिल्म। ये फिल्म एक स्लैपस्टिक कॉमेडी के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी हो सकती थी बट इन दोनों में से मेकर्स कुछ भी नहीं कर पाए। सिर्फ 2 घंटे की ये फिल्म में जो कब खत्म हुई मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि पूरी पिक्चर में सिर्फ ह्यूमर ढूंढते बैठ रहा था। पहले की कॉमेडी मूवीज में जो ह्यूमर था, जो रिपीट वैल्यू थी उन्हें बार बार देखने की, वो आज की मूवीज में कंप्लीटली मिसिंग है। सो अगर आप डिसेंट या फिर एवरेज ड्रामा वाली फिल्म देखना चाहते हो देन आनी बानी आपके लिए बनी है, बट अगर आप ये सोच के जाओगे कि आपको बहुत ज्यादा कॉमेडी देखने को मिलेगी, आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे, सीट से नीचे गिर जाओगे, देन बिल्कुल भी मत जाना प्लीज। सो मीनवाइल आपको मेरा वीडियो कितना पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।